साईराम, लंबे इंतजार के बाद शनिवार 8 अप्रैल 2023 को दिल्ली से उड़कर इंडिगो की पहली उड़ान रात्रि 8:15 पर शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। 2 महीने पूर्व शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DGCA द्वारा नाइट लैंडिंग की परमिशन मिली थी और आखिरकार एयरपोर्ट अधिकारियों की कड़ी मेहनत के बाद इंडिगो एयरलाइंस की पहली ट्रायल फ्लाइट एयरबस A321 दिल्ली से 216 यात्रियों को लेकर शिरडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के 8:15 पर लैंड की गई। फ्लाइट के लैंड करते ही एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की और एयरलाइंस के स्टाफ और एयरपोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने केक काटा और आने वाले प्रत्येक यात्री को एयरपोर्ट अधिकारी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव और श्री मुरली कृष्ण ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और जलपान के पैकेट दिए। यही एयरबस A321 रात को 8:55 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के उपाध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपक कपूर IAS ने भी ट्वीट कर पहली फ्लाइट के नाइट लैंडिंग करने पर खुशी जाहिर की और लिखा कि 2 वर्षों की कड़ी मेहनत का आज नतीजा आया। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। ज्ञात रहे साईं बाबा के महाशताब्दी वर्ष से पूर्व देश के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था और पहले दिन से ही शिरडी आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हैं और इतने कम समय में शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया। पिछले कुछ महीनों से शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों के अवसर पर शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ का काफी दबाव रहा, जिसके चलते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने एयरपोर्ट के टर्मिनल के एक्सटेंशन के लिए फंड जारी किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग की परमिशन मिल जाने से अन्य एयरलाइंस भी देर रात की फ्लाइट्स शुरू करेंगी। जानकारी के अनुसार सिंगापुर, दुबई आदि कई देश अपने यहां से भी शिरडी के लिए फ्लाइट्स प्रारंभ करने के लिए उत्सुक नजर आए। पूनम खन्ना, साई लीला टाइम्स। कृपया साई लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साई बाबा से जुड़े रहने के लिए साई लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉग इन करें। ओम साई राम।